बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ब्रांड न्यू रेसिपी। आज गुड मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप भी खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। आज गुड़ शक्कर की खिचड़ी बनने लगी है, कीमा कचौड़ी, वाह इतनी जबरदस्त बनी है गाइस, आप बाजार की कचौड़ी को भूल जाएंगे जब आप इस तरह से बनाएंगे। और ये बनेगी गुड़ शक्कर के स्टाइल में। ये मैंने प्लेन फ्लावर लिया, मैदा लिया मैंने आधा किलो 500 ग्राम, उसमें साल्ट जाएगा 1 टीस्पून, और उसमें ये घी जाएगा, इसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, घी यूज़ करना है आपने, ऑयल नहीं करना। ओके, ये जाएंगे 2 टेबल स्पून, ये टीस्पून है ना, तो 2 टेबलस्पून आपने डाले। ओके, अब हम इसे हैंड के साथ मिक्स करेंगे ताकि एक जैसा सारा हो जाए मैदा। ये देखें गाइस, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ये देखिए, जब ऐसे हो जाए ना फिर आपका सही मिक्स हो जाता है जो घी हम ऐड करते हैं। अब वाटर ऐड करेंगे और नॉर्मल सी इसकी डो बना लेंगे, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखें गाइस, इतना मैंने रखा है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह लगा के ना इसे ढांप के रख देंगे और 15 से 20 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। ये मैंने घी लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, इसमें जाएगा ये बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च 2.5 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है कॉर्न स्टार्च को और बेकिंग पाउडर को, और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे, जिधर हम आइस नहीं जमाते फ्रीज़र में उधर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए, क्योंकि ये फीलिंग में हमने फिर लगाना है। गाइस 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं, और ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया हुआ है, और अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए गाइस, इतने इतने हम पेड़े जो है रिसा बना के रख लेते हैं। ये देखिए गाइस, पेड़े बन चुके हैं, फिर इस पे ऑयल लगा देंगे और फिर इसे हम देंगे 10 से 15 मिनट रेस्ट, ऊपर से कवर करके रखना है। ये देखिए गाइस, अब एक पेड़ा उठाएंगे, इसे साइड पे कर लेते हैं, हैंड के साथ भी आप कर लो या बेलने के साथ कर लो, जैसे आपको इजी लगे। छोटी सी रोटी बेलेंगे, अब ये जो हमने फ्रीज़र में रखी थी ना, ये देखें थोड़ी थिक हो गई ना, ये अप्लाई करेंगे इधर। अब इधर से उठाएंगे, ऐसे करेंगे, और इधर से उठा के ऐसे, इधर से थोड़ा करके ऐसे, और यहाँ से ऐसे ऐसे पेड़े बना के ना रखते जाते हैं। ये देखिए गाइस, सारे मेरे पेड़े रेडी हो गए हैं, फिर अगेन इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे और इसे फिर हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए गाइस, फ्लेम को ऑन कर लिया, पैन को ऊपर रख लिया, इसमें घी जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून, इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अब इसमें जाएगा कीमा, ये गाइस हमारा 300 ग्राम बीफ का कीमा, ये डालेंगे और इसे कुक करेंगे। ये देखिए गाइस, कीमे का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, एक मैंने प्याज लिया था,
से मैंने ऐसे बारीक बारीक सा कट कर लिया। चूना भी छिद्रा हो चुका है और जो प्याज डाला था वो भी सॉफ्ट हो चुका है, जो ड्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसी, सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और ये खुशक धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1 पिंच डालें, एक चुटकी अजवाइन डालें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसे मिक्स करते हैं। गाइस आप थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं और इसे कुक करते हैं 5 से 6 मिनट ताकि की मखमड़ अच्छी तरह कुक हो जाए। फ्लेम को स्लो कर देते हैं और इसे कुक करने के लिए रख देते हैं 5 मिनट बाद। ये देखिए गाइस, ये एक हम उठाएंगे आप हैंड के साथ ही से फुला लेंगे ऐसे करके। ये देखें गाइस, अब इधर से हम ऐसे इधर लेके आएंगे और इधर से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर से इधर, ये 4 बन गए ना हमारे कोने। फिर अगेन हम लेके आएंगे इधर, ये देखिए, और बस ऐसे घुमा के इसका पेड़ा फिर रेडी कर लेंगे ऐसे। ये देख, फिर एक उठाएंगे, हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ये देख, इधर से यहाँ, यहाँ से इधर, फिर ऐसे, और ये थोड़ा सा खींच लीजिएगा ऐसे, ये हमारे 4 कॉर्नर हो गए ना। फिर इधर से खींच के यहाँ, इधर से यहाँ, इधर से खींच, जितना आप खींचोगे ना ये खींचा जाएगा, और आपने ऐसे घुमा के ना पेड़ा बेल लेना, ऐसे सारे बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए जी, कीमा हमारा भुन चुका है, फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे थोड़ा कूल करके एक कचौड़ी रेडी करते हैं। ये देखिए गाइस, पेड़े सारे हो चुके हैं डन। अगेन इस पे आई अप्लाई करेंगे और बस 10 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर हम कचौड़ी को रेडी करते हैं, फिलिंग करते हैं इसकी। ओके, ये कीमा हमारा ठंडा हो गया। अब इसमें जाएगी ग्रीन चिली 4 से 5 ब्रिक कट कर लिया, और ये जाएगा हमारा मिंट स्लीव, हैंडफुल पुदीना ऐड किया, मिक्स करते हैं और कचौड़ी की फिलिंग करते हैं। पेड़ा उठाएंगे और उसे हैंड के साथ ही ना बड़ा कर लेंगे। साइडों से आपने बारीक रखना है और सेंटर से आपने थोड़ा मोटा रखना है, क्योंकि जब हम फीलिंग करेंगे ना तो वो फीलिंग हमारी फटनी नहीं चाहिए। अब हम कीमा रखेंगे सेंटर में ऐसे, इधर से ऐसे, और इधर से हम ऐसे करेंगे, फिर इधर से लेंगे ऐसे, और यहाँ से हम करेंगे ऐसे, ऐसे। ये हमारे 4 कॉर्नर बन गए गाइस। और फिर इधर से खींच के इधर लेके आएंगे, और यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर, और इधर से इधर, और ये देखिए हमारी कचौड़ी एक रेडी होगी ऐसे। ऐसे सारी रेडी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस, कचौड़ी हमारी हो चुकी है डन, ये लास्ट रह गई है। अब आयल डालते हैं, फ्लेम ऑन कर लिए है और ये जाएगा जी आयल, उबालना कचौड़ी को ऐसे बिल्कुल प्लेन कर लीजिएगा ऐसे। ये देखिए ऐसे आराम से आपने डालेंगे, बिल्कुल लाइट से बबल्स होने चाहिए।
चार हम डालेंगे अभी, बस जब ये फ्लोट करेंगी ना फिर से टर्न करेंगे। ये देखिए ये फ्लोट कर गई है हमारी कचौड़ियाँ। जब फ्लोट कर जाए ना फिर फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा ताकि ये फूल के ऊपर आ जाए, सही फूलेंगे। ये देखिए कितनी फूल गई है माशाल्लाह। अब हम इन्हें टर्न कर लेंगे। जैसे कि 4 से 5 मिनट को करेंगे। ये देखिए जी गाइस हमारी कचौड़ी हो चुकी है डन। ये देखिए इतनी जबरदस्त और हस्ता रेडी हुई है और माशाल्लाह कितनी। ये देखिए गाइस माशाल्लाह कचौड़ी हो चुकी है डन। ऐसे ही सारी डन करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गरम है तेल बड़ा। ये देखिए गाइस हमारी कचौड़ियाँ चेक करें। ये देखिए कितनी फूली फूली बनी है और कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए हर कचौड़ी की लेयर देखें कैसे लैदर लैदर लेयर्स है। ये देखिए ये चेक करें, ये देखिए कितनी जबरदस्त है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, देख रहे हैं गाइस कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए ऊपर से खुद ही इसके उतरे हैं, सारी लेयर उतरी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए फीलिंग चेक करें अंदर से। वाह कितनी जबरदस्त है और कितनी क्रिस्पी है माशाल्लाह। ये फर्स्ट बाइट आपके नाम। बहुत ही मजे की बनी है। बस इसमें इतनी लेयर्स आई है ना वो इतनी अंदर तक कुक है और बहुत ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। इतना मजा आ रहा है खाने का। खाप खा भी ये गुड़ गाइस आपने मस्ट ट्राई करनी है ये रेसिपी कचौड़ी की। रियली आप बाजार की कचौड़ी को भूल जाएंगे जब आप घर में आप ये बनाएंगे। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना और शेयर करना है। ओके फिर अपनी तरह क्यूट सा कमेंट्स कर देना। कोई मेरी वीडियो वायरल कर दे, शेयर कर दे गाइस प्लीज। इतनी गुड़ शक्कर मेहनत कर रही है प्लीज मेरी प्यारी सी यूट्यूब किधर हो आप। ओके गाइज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपने मेरी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना क्योंकि अगर आप स्किप करोगे ना आपको बिल्कुल पता नहीं चलना कि कैसे हमने ये कचौड़ियाँ बनाई हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको डिटेल के साथ मैंने बताई है। जब आप भी ऐसे बनाओगे आपकी भी जरूरत बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स साथ मैंने बताई है। कौन सी ऐसी ट्रिक्स लगेगी, कौन सी ऐसी टिप्स है जिसकी वजह से ऐसे फूल के कचौड़ियाँ आपकी बनेगी, कितने ऑयल में हमने डाली है, कितना हमने उसका टेम्परेचर रखना है, ये सारे बातें जो है इसी वीडियो में है। और गाइस हमारी जो वीडियो थी ना 6 o'clock हम जो थे ना अपलोड किया करते थे, अब क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और हमने सोचा कि हम 4 o'clock जो है ना दोपहर के आफ्टरनून हम जो है ना अपनी वीडियो जो है ना अपलोड किया करेंगे। अब आपको ये वाली हमारी जो वीडियो है ना मिलेगी 4 बजे, ठीक है।
सुपहर के 4 बजे आफ्टरनून मिलेगी, ओके। आप टाइम्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट जो हमारी ये वाली वीडियो ना, इंशाल्लाह आपको 4 o'clock मिलेगी। ओके गाइज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा, लव यू, लव यू।